ये 3055 ट्रांजिस्टर का बोर्ड है और इसका प्रॉब्लम ये है, ये एम्पलीफायर ऑन करते ही गों गों की आवाज़ आती है जो हर्मिंग बहुत होती है। इसका क्या वजह हो सकता है? इसका वजह दो हो सकता है, जो ये जो 5 वोल्ट जो ऑडियो आ रहा है इसको आपको पहले निकाल के देखना है। ये प्लग यहाँ पर वॉल्यूम जो ठीक, ये जो वॉल्यूम आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सब वॉल्यूम है, वॉल्यूम का कनेक्टिविटी है। ये जो वॉल्यूम है आपको, ये जो सारे वॉल्यूम होते हैं आपको हर तार को चेक कर लेना है ताकि कहीं से कनेक्शन जॉइंट हो जाने के वजह से हॉर्मिंग आता है। और यहाँ पर जो आप माइक देख पा रहे हैं, ये जो माइक है यहाँ पर ऑक्स इन होता है, ऑक्स जब इन होता है इस तरफ से यहाँ पर भी जॉइंट हो जाने के वजह से हर्मिंग की आवाज़ आती है। या कोई भी जो 3055 जो ट्रांजिस्टर होता है, इस यहाँ पीछे वाला ये 3055 का जो ट्रांजिस्टर है यहाँ पर कोई भी तार टूट जाने के वजह से भी ये हर्मिंग की आवाज़ आ सकती है। और मैंने हर तरफ से चेक करके देख लिया और ये 5 वोल्ट जो कनेक्टर आता है, जो ये 5 वोल्ट USB बोर्ड को कनेक्ट करता है, इसकी कनेक्शन टूट जाने के वजह से भी आता है। मैंने हर जगह कनेक्शन चेक कर लिया और आपको लास्ट जो ये 2 कैपेसिटर नज़र आ रहे हैं आपको इसको हिला के देखना है, कहीं लूज होने के वजह से ये हर्मिंग की आवाज़ आ सकती है। मैं आपको कैसा आवाज़ आ रहा है मैं आपको दिखाता हूँ, मैं ऑन करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये ऑन हो चुका है, मैं अब स्पीकर को कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ आवाज़ कैसा आ रहा है। देखिए ये दोनों लेफ्ट और राइट साइड स्पीकर में आवाज़ आ रहा है दोनों साइड से। देखिए इसका क्या प्रॉब्लम है मैं आपको दिखाता हूँ। पहले तो मैं ये बोर्ड को ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद आपको चेक करना है ये जो 2 कैपेसिटर के कनेक्टर हैं, यहाँ पर 2 कैपेसिटर के कनेक्टर हैं यहाँ पर लूज होने के वजह से ऐसा होता है। मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर कैपेसिटर बहुत लूज हो चुका है, मैं इसको दोबारा से सोल्डरिंग कर लूँगा। यहाँ पर मैं थोड़ा कनेक्शन टूट गया है, मैं इसको दोबारा से यहाँ पर स्क्रैच करके उसको सोल्डरिंग कर लूँगा। ये कनेक्शन टूट जाने के वजह से ऐसा होता है। मैं यहाँ पर सोल्डरिंग कर लूँगा। ठीक है यहाँ पर सोल्डरिंग हो चुका है, अब मैं इसको करंट दे के देखूँगा हर्मिंग आ रहा है कि नहीं, ऑन करके देखूँगा। देखिए मैंने ऑन कर दिया है, ऑन कर लिया हूँ। देखिए अब मैं स्पीकर को दे के चेक कर लूँगा। देखिए हर्मिंग की आवाज़ नहीं आ रहा है और मैं देखिए नहीं आ रहा है, अब बिल्कुल ठीक हो चुका है। मैं वॉल्यूम दे के देखता हूँ, बढ़िया हो चुका है, अब हर्मिंग नहीं आ रहा है। ये कैपेसिटर टूटने के वजह से ऐसा, कनेक्शन टूटने के वजह से ऐसा हो रहा था। अब मैं उसको फिटिंग कर लूँगा।
ये देखिए, ये 3055 का बोर्ड अभी पूरी तरह से ठीक हो चुका है, बढ़िया चल रहा है। देखिए ये FM बज रहा है और देखिए यहाँ पर कोई भी हमिंग नहीं आ रही है। ये दो कैपेसिटर हैं, ये टूट जाने के वजह से ऐसा हमिंग आ रहा था। ये देखिए अब साउंड बहुत बढ़िया आ रहा है, बहुत बढ़िया हो गया। बहुत बढ़िया हो गया। आप भी इस तरह से घर में ठीक कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। मेरी वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए।